बच्चों के ना एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही रोज़ डिमांड रहती है कि आज कुछ नया बनाया जाए मम्मी। तो आज मैं आटा बिस्किट बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, बिना किसी मैदा और बिना तेल के, बहुत ही हेल्दी तरीके से, घर के बेसिक चीज़ों से। बनाना बहुत आसान है, डिटेल वीडियो आप ज़रूर देखना। बेकिंग में ना मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो आपके पास अगर ये वेट मशीन है तब तो परफेक्ट है। अदरवाइज मैं कफ से इतना आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ, करीब 100 ग्राम। तो घी को मैंने फ्रिज में रखा था, बिल्कुल मेल्ट नहीं चाहिए, थोड़ा हार्ड ही चाहिए, तभी तो हम इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देंगे। तो इसे 10 मिनट तक इस तरह से आपको फेंटना है, ताकि तब तक जब तक ये थोड़ा फ्लफी सा हो जाए। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हो, मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। तो 10 मिनट मैंने इसी तरह लगातार चलाया है, तब जाके ये थोड़ा सा फ्लफी हुआ है और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है। तो आप देख सकते हो कलर भी एकदम चेंज हो गया, एकदम वाइट हो गया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, शुगर, शुगर पाउडर। तो ये हमें लेना है करीब 65 ग्राम्स। तो मेजरमेंट जितना भी मैं लिख रही हूँ, जितना भी मैं डाल रही हूँ इस रेसिपी में, आपको स्क्रीन पे दिख। तो ये पिसी हुई चीनी है जो घर पे हम डेली यूज़ करते हैं, और इस घी वाले मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। चालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक पीस जाता है मिक्सी में, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपका चीनी दरदरा लग रहा है तो आप इसे छान के डालिए छन्नी से। 10 से 15 बूंद मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस के डाले हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच छोटी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद हम अपने चम्मच को क्लीन कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है गेहूं का आटा। तो यहाँ पे गेहूं का आटा आपको लेना है करीब 135 ग्राम। उसके बाद डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको इसमें ज़रूर डालना है, इसी से हमारे बिस्किट का टेस्ट चेंज होने वाला है और खाने में भी बहुत अमेजिंग लगता है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरह से छन्नी में छान के डालेंगे और अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच का ही यूज़ करना, हाथ का इसमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से चम्मच से चलाएंगे और इस डो को बहुत ज़्यादा गूथना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से। अगर आप हाथ का यूज़ कर भी रहे हैं तो बस उंगलियों से इसे गूथिए, जितना सख्त आप रोटी का डो लगाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हमारा कुकीज़ परफेक्ट नहीं बनेगा। तो अब देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसे मिक्स करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए साइड में रखूँगी। 10 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, सारी चीज़ें एकदम घुल गई हैं आटे में। अब बाइंडिंग करके देख लेते हैं कि ये अच्छे से बंध रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कितना परफेक्ट ये बंध रहा है। फिर भी हम उंगलियों से इस तरह इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, और कोई सा भी आप चम्मच लेके हाथों पे ले लेना। इससे क्या है कि हमारी सारी कुकीज़ एक शेप की बनेंगी। आप ये प्रोसेस कर भी सकते हो या तो आप अपने अंदाजे पे भी बना सकते हो। गेहूं के आटे की कुकीज़ जो होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनती है, इसे हम पतला ही बनाते हैं। जो मैदे के कुकीज़ होती है वो थोड़ा मोटा बनती है। तो आप थिकनेस देखिए कितना मैंने इसे मोटा रखा है। तो इसे आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैं इसे ओवन में बनाऊंगी। तो इस तरह हम कुकीज़ का इसे शेप देके ऊपर से पिस्ता, काजू या तो बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, गार्निश ज़रूर करिएगा, देखने में अच्छा लगता है। तो मैं 2 टाइप की कुकीज़ बना रही हूँ, एक जैम वाली और एक ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स फ्रूट जैम मेरे पास था उसे ही मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से बॉल बना के हल्के हाथों से आप उंगलियों से प्रेस कर देना और उसमें जैम को लगा देना, ये भी बहुत अच्छा लगता है जैम बिस्किट।
तो देखिए सारी कुकीज़ अभी मैंने रेडी कर ली है और दूसरे साइड मैंने अपने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा था और हम अपने कुकीज़ को ऐड कर देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए 175 डिग्री सेल्सियस पे और बेक मोड पे लगाएंगे। यही प्रोसेस आपको कढ़ाई में भी करना है। कढ़ाई में आपको पहले 5 मिनट प्री हीट करना है, उसके बाद अपनी कुकीज़ को ऐड करना है, इजीली बन जाता है। 10 मिनट में आराम से ये गेहूं की कुकीज़ रेडी हो जाती है। फिर भी अगर आपको कच्चा लगे तो 5 मिनट इसे आप और पका सकते हो, तो बस इसे ठंडा करिए और इंजॉय करिए।